हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी यानी कि एसएससी जनरल ड्यूटी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, और इतना ही उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सी पोस्ट में आपको क्या ड्यूटी होती है, यानी कि अगर आप सीआरपीएफ बन जाते हो, एसएसबी बन जाते हो, सीआईएसएफ बन जाते हो, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी, ये भी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि कितनी सैलरी होती है, अगर आपका एसएससी जीडी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये तीन बात आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको एसएससी जीडी के थ्रू जॉब पाना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड में किसी ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो गाइस, एसएससी जीडी के अंतर्गत टोटल 8 पोस्ट आते हैं। इसमें होते हैं सीआरपीएफ होता है, बीएसएफ, एआर, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एनआईए, ये 8 पोस्ट होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है और कौन सी पोस्ट में आपको कहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सीआरपीएफ की ड्यूटी क्या होती है। सीआरपीएफ का जो मुख्य काम होता है, पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करना, चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से लेकर नक्सल विरोधी अभियानों तक वीआईपी सुरक्षा सेवा प्रदान करना, तथा भारतीय शांति सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के रूप में विदेशों में भी काम करना, ये 3 मुख्य काम होते हैं सीआरपीएफ के। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का जो मुख्य काम होते हैं, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर प्रोटेक्शन देना होता है, और इस बात का खास ख्याल रखना कि बॉर्डर पर कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो और ना ही कोई बॉर्डर से इधर से उधर आ जा सके, इस चीज का ख्याल रखना होता है बीएसएफ को। अब हम लोग बात करते हैं एआर यानी कि असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल्स की जो जीडी के द्वारा भर्ती होती है, इनका मुख्य काम होता है सीमा सुरक्षा अभियानों के संचालन के माध्यम से सेना के नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भर्ती इनका होता है। किसी आपातकालीन स्थिति में नागरिक शक्ति, संचार, चिकित्सा सहायता और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना, यह भी असम राइफल्स का काम होता है। असम राइफल्स के कांस्टेबल युद्ध के समय जरूरत पड़ने पर पीछे के क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इनका मेन काम होता है इंडिया और जो चाइना का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना, और ये बेसिकली लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इनका मेन काम यही होता है कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पर कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो और बॉर्डर को कोई क्रॉस करके इधर से उधर ना जा सके। मेन इनका काम होता है कि वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रदान करना। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इनका मेन काम होता है कि भारत नेपाल बॉर्डर और भारत भूटान बॉर्डर होता है उसको प्रोटेक्ट करना। इसके साथ साथ सीमा पर होने वाले अपराधों और अन्य अवैध गतिविधियों यानी कि इलीगल एक्टिविटीज़ को देखना और उसको निग्लेक्ट करना, यानी कि वो चीज़ें ना होने देना, उनकी रोकथाम करना इनका मेन काम होता है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ का जो मेन काम होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी देखभाल करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, दिल्ली मेट्रो हो गए, उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटी ना हो, वहाँ पे किसी तरीके का कोई आपराधिक एक्टिविटी ना हो, उन सबकी देखभाल करना सीआईएसएफ का काम होता है। नेक्स्ट है एसएसएफ यानी कि सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स। एसएसएफ का जो मेन काम होता है सचिवालय परिसर में प्रवेश, सचिवालय के गेटों और परिसर के अन्य स्थानों पर गार्डों के तैनाती की जिम्मेवारी है, आंतरिक अनुशासन बनाए रखना, वाहनों के प्रवेश और उनकी पार्किंग का ख्याल रखना। एसएसएफ का जो मेन काम होता है सचिवालय परिसर की पूरी तरीके से सिक्योरिटी और वहाँ पे पूरी उसकी देखभाल करना एसएसएफ का काम होता है। तो दोस्तों, ये थी एसएससी जीडी के पोस्ट के नाम और उनकी क्या ड्यूटी है वो। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो एसएससी जीडी में जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे पोस्ट होते हैं, तो इसकी जो सैलरी होती है 23,000 से लेके 69,000 के बीच होती है। ये डिपेंड करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, इस कारण आपकी जो सैलरी है काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। तो आई होप दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी जीडी में कौन कौन सी पोस्ट होती है और किस पोस्ट में आपको क्या ड्यूटी करनी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो कैसे लगे, कुछ पूछना है तो वो भी पूछे, और इस वीडियो को अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। एसएससी जीडी के ऊपर कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में बताया, तो वो वीडियो देख सकते हैं, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।